रिकॉर्डिंग। तो देखो बच्चे, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन के बारे में। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो न्यूट्रॉन का समझो कि क्या सीन है। तो जो न्यूट्रॉन का सीन था वो ये था कि एक थे जिनका नाम था जेम्स सैडविक, जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया एक बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। एटॉमिक मास 7। इसके ऊपर अल्फा रे डाली, दिस इज अल्फा रे। जब अल्फा रे डाली तो ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन में। 6 12 प्लस एक अलग से बच गया। यानी कि जब इसके अंदर हम अल्फा पार्टिकल अल्फा रे डालेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन 12 प्लस में एक न्यूट्रॉन। यानी इसने एक चीज दी, यानी कि क्या है, 1 यूनिट मास। सिर्फ हमें 1 यूनिट मास मिलेगा जिसका आगे फर्दर नाम दिया गया। ये एक मेथड था। तो इसमें हम लिखते क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रेज बेरिलियम देन इट्स देन इट्स फ्रॉम कार्बन एंड वन अनदर ओनली मास कंटेनिंग इस कॉल्ड न्यूट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये किया था जेम्स चैडविक ने। इसके बाद हम बोहर मॉडल डिस्कस करते हैं। बच्चों ये बताओ, मैंने आपको इस चैप्टर के, वो पिछला चैप्टर है फर्स्ट, उसके नोट्स भेजे या नहीं भेजे? नहीं भेजे? चलो मैं भेजता हूँ, जस्ट क्लास के बाद मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि मेरे स्किप होगा माइंड से, मुझे लगा मैंने सेंड कर दिया। और इस चैप्टर के भी नोट्स भेजता हूँ आपको, दोनों चैप्टर के नोट्स दे। चलो ये नोट करो जल्दी। हैंड रेज कर न्यूट्रॉन और लेना प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बड़ा होता है ना? बेटा, हम साइज की बात नहीं करें, मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। हो गया लिसा? गुड। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की बात करते हैं तो इसमें क्या खास बात आती है, वो इसमें खास बात क्या आती है, इन्होंने क्या किया था, इट्स एक्सप्लेन जी स्टेबिलिटी इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। इन्होंने बताया न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व
एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अभी उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्पेसिफिक स्पेस या प्लेस दैट इज कॉल्ड कॉल्ड ऑर्बिट। जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ अराउंड कोल। एक ये सर्कुलर पाथ है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ये इसने बोला था, इसने अगला क्या बोला, इट्स डिस्कस इट डिस्कस अबाउट द कुमांटाइजेशन। डिस्कस अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट विथ स्पेसिफिक एनर्जी। ये डिफरेंट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी से रिवॉल्व करता है। ठीक है, एक बार ये पॉइंट नोट करो फिर आगे चलो। करो भाई, हो जाए तो हैंड रेज कर लेना बच्चों। अलीसा हो गया, वेरी गुड। और लिख लो, अलीसा ने तो लिख लिया बच्चों।
गुड। चलो अच्छा, अब इसके फर्स्ट यूनिट और बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या हमें बताया था बोहर ने। तो बच्चे जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो वो क्या है। मैंने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट इट्स एक्सर्टेड इट एक्सर्टेड स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम। ये क्या करेगा बच्चों, स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब ये कैसे करेगा तो उसके लिए हमें सेल का ही पता होना चाहिए, यानी कि फिर आती है जैसे अगर हम बात करते हो ना एस ऑर्बिटल, एक होती पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। इनमें क्या है सारों में, जो एस ऑर्बिटल है जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो यहाँ पर एस में क्या होता है आपको क्या याद रखना है, एल की वैल्यू होती है जीरो, पी में एल की वैल्यू होती है वन, डी में एल की वैल्यू होती है दो, इसमें एल की वैल्यू होती है तीन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम छह इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 14 ये आ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो क्या होता है, इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप होती है डंबल, इसकी जो शेप होती है वो होती है डबल डंबल, इसकी होती है ट्रिपल डंबल, क्या होती है ट्रिपल डंबल। ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या बताया, हर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम अलग होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट आती है इसमें आएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल या डिफरेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विच हैविंग स्पेसिफिक एनर्जी एनर्जी फॉर रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन, वहां स्पेशल एनर्जी होती है जहां जिससे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, होती है व्हेन, इसमें हम एनर्जी अलग होती है, एनर्जी कैसे निकालते हैं तो कहते हैं एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू में माइनस का जेड स्केयर वाई ऐसे हम एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, जो ये होता है जेड स्केयर वाई एन स्केयर, ये होती है एनर्जी निकालने की जिसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगल, ये हम निकालते हैं। एन है एन जो उसका
यहाँ पर जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बोल सकते हैं कि कौन से सेल में है, ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ सेल, और z मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हम एनर्जी निकालते हैं, तो जब हम एनर्जी, माइनस का साइन है याद रखना, ये माइनस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4 अगर एन की वैल्यू क्या हो जाए, 0, सॉरी एन की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। जब एन की वैल्यू क्या हो, 2, 3, 4 ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, ये नोट करो, फिर आगे और बताता हूं। करो बच्चों, हो गया, लिख लो आराम से। हो गया लिसा, गुड, लिख लो और भी, चलो बच्चों हो गया होगा ऑलमोस्ट सभी का, अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जब हम नेक्स्ट बात करें, जो अगला पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो जो मैक्सवेल की लिमिटेशन रदरफोर्ड की, उसको भी वो कंप्लीट करता है। कैसे, तो इन्होंने बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस at n is equal to 1 is called ground state, is called ground state, या इसको एक नाम और कहते हैं discretive energy level, जिसे हम डिस्क्रिएटिव एनर्जी लेवल भी कहते हैं, जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, देयर
नो नीड ऑफ एनर्जी, देयर नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर रिवॉल्विंग समझ में आ गया। इसने वो मैक्सवेल वाला पॉइंट हटा दिया, जो इसने मैक्सवेल ने क्या बोला था कि मैक्सवेल ने तो ये बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, एक टाइम ऐसा आएगा उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या बोला, जब ग्राउंड लेवल पे मूव करेगा तो उसको कोई एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी, इट्स यूज एनर्जी। अगला पॉइंट इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम एनर्जी फॉर रिवॉल्यूशन इन एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर घूमेगा तो उसको एनर्जी की नीड चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो अगला पॉइंट इसने क्या बोला इसके साथ, व्हेन इट्स रिवॉल्व एंड emit energy in form of radiation। जो मैक्सवेल वाला पॉइंट था वो भी क्लियर कर दिया। मैक्सवेल वाला क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड या इसको एग्जाइटेड करेंगे तो ये भी करेगा, कब करेगा, जब किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखो तो इसने बोला ये इसका जैसे देखो ये है एक लेवल की, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हम इसको एनर्जी देंगे, मान लो मैच न्यू एनर्जी देते, इसका मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी देगी तो अभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ चला गया, ऊपर यहाँ चला गया। जब ये यहाँ से रिटर्न बैक आएगा, यानी जब ये वापस आएगा तो ये क्या करेगा, तो अब ये क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। अगर इसकी एमिट करेगा, अगर ये रेडिएशन किसमें आ गई, विजिबल रीजन, अगर ये कहां जाए, इफ विजिबल रीजन यानी कि अगर विजिबल रीजन आ जाए तो चमक देगा, फ्लोरोसेंस होगा, ताकि जिसे हम देख पाएंगे। ये बोहर ने बताया था, एक बार ये नोट कर लो, एक दो पॉइंट और आगे बुक में तो छोटा सा ही दिया गया, इतने ज्यादा पॉइंट नहीं दिए गए, बट आप लिख लो ये सारे पॉइंट। इसमें बच्चों एक साइज के बारे में और बताया था, मैं आपको साइज वाला और डिस्कस कर देता हूँ कि साइज का इसने कैसे बताया था। अलीसा हो गया वेरी फास्ट,
वही एक मिनट और दे देते हैं, जिसका रह गया वो नोट डाउन कर लो। हो गया ऑलमोस्ट का। तो देखो आगे बच्चो क्या है। तो इन्होंने जो नेक्स्ट बताई है, इन्होंने बता दिया कि रेडिएशन देगा, जो उसका पॉइंट इसने डाउट क्लियर किया। इसका बच्चों जो अगला पॉइंट था, वो अगला पॉइंट क्या था, इट्स डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ, इसका हेल्प कैसे साइज ऑफ एटम डिटर्मिनेशन करने में था। क्या था आर, मतलब क्या है रेडियस, किसके इक्वल है 0.529, नहीं 0.529, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई में जेड, ये किसमें है एंगस्ट्रॉम। इससे इन्होंने बताया कि हम इसका साइज निकाल सकते हैं। एक चीज और भी बताई थी इसने, इसने वेलोसिटी के बारे में बताया था, इट्स आल्सो एक्सप्लेन अबाउट डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। इन्होंने वेलोसिटी के बारे में बताया था, वो क्या थी, जो वेलोसिटी के बारे में बताया तो बोले जी वेलोसिटी इज इक्वल टू 1312 इंटू में एन बाई, ये बताया कि इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चले तो इसने एक चीज और बताई थी, इट्स ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक वो एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताया, कैसे इन्होंने बताया था तो कहते हैं देखो, कहते हैं जो एल होता है ये होता है एम वी इंटू में आर, नॉर्मल होता है मोमेंटम इंटू आर करते तो क्या बन गया एंगुलर मोमेंटम। तो कहते हैं क्या होगा, कहते हैं जो एम वी आर है इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये किसके इक्वल होगा एन एच बाई टू पाई, ये नोट कर लो फटाफट। ये था हमारा बोहर। इसने एटम की सारी चीजें बता दी थी जिसमें कोई नहीं रह गया था। अब कल रह गया तुम्हारा होमवर्क, वो आप क्या करोगे, आपका होमवर्क रहेगा लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, इसकी लिमिटेशन क्या।